नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे द शॉपिंग एरिया जो कटरा में है, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं। अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आप कटरा में रुकेंगे, वहाँ पर होटल है, वहाँ पर एक पूरी पूरी लेन है जो मेन मार्केट लेन है, जहाँ पर ज्वेल्स आपका रेस्टोरेंट है, बहुत सारे रेस्टोरेंट वहाँ पर स्थित है जहाँ से आप अच्छा खाना खा सकते हैं। और पूरी पूरी मार्केट बनी हुई है जहाँ पर कैमरे से लेकर आपके फ़ोटो खिंचवाने की दुकानें हैं, जहाँ पर आप कुछ भी सामान बाय कर सकते हैं, खाने का हर चीज़ की सुविधा है दोस्तों। तो उस पूरी पूरी लेन में काफ़ी सारी दुकानें स्थित हैं जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं। आपको जो भी खाना है, आपको जो भी पहनना है, अगर आप कोई कपड़े नहीं ले जा पाए तो हर चीज़ की वहाँ पर ख़रीदने की सुविधा है दोस्तों। बस, और वहाँ पर एटीएम की भी सुविधा है, काफ़ी सारे एटीएम, HDFC बैंक का एटीएम है, SBI बैंक का एटीएम है आपका, और आपका JNK बैंक का एटीएम है, तो आपको वहाँ से आप पैसा भी निकाल सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की ज़रूरत पड़ती है। तो शॉपिंग एरिया भी है जहाँ पर आप कपड़े बाय कर सकते हैं बच्चों के, अपने लिए, वहाँ पर आप जा रहे हैं, सर्दियों के कपड़े काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं, तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। तो पूरी पूरी रोड है दोस्तों जहाँ से आप ये चीज़ें बाय कर सकते हैं, उसको कटरा का मेन मार्केट एरिया कहा जाता है। और साथ में उसी एरिया में सारे होटल स्थित हैं आपके, वही कटरा में, और वहीं पर पास में आपका यात्रा पर्ची केंद्र भी है। बिकॉज आपको यात्रा स्टार्ट करने से पहले यात्रा पर्ची केंद्र तो जाना पड़ेगा, और वहाँ से आपको यात्रा पर्ची कटवानी पड़ेगी, तो आप वहाँ पर उस एरिया में आप इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी सारे खाने की दुकानें हैं, काफ़ी सारे कपड़ों की दुकानें हैं, तो सारी चीज़ें आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप माता वैष्णो के दर्शन के लिए जा रहे हैं, अगर आप कुछ भूल गए घर पे, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।